सुनो, सोफा हमें वही वाला पसंद आया है। हाँ। लेकिन अगर तुमने बढ़िया रेट दिला दिया 28,000 रुपए वाला, जो कि हमारे पास पैसे नहीं है, तो मेरी तरफ से एक कोल्ड ड्रिंक फ्री गाइस मिराज को। अब इसकी सेलिंग स्किल्स हम जाके देखेंगे कि क्या वो सोफा हम ले पाते हैं अपने बजट में या नहीं। सो गुड मॉर्निंग, नमस्ते, आदाब, ग्रीटिंग्स, कैसे हो आप सभी लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे, घर पे होंगे। सो यार, हर बार की तरह हम लोग ब्लॉग थोड़ा लेट स्टार्ट कर रहे हैं, और जैसे मैंने आपको बताया था कि मैं जाना था पंचकुलिया मार्केट, मतलब फर्नीचर मार्केट जाना था। तो अभी हमने डिसाइड किया कि पंचकुलिया जाएंगे। दिल्ली में बेसिकली दो मार्केट मेरे को ज्यादा अच्छी लगती है, एक पंचकुलिया और एक कौन सा है, शाहीन बाग ना, अबुल फजल, कालिंदी गुंज बोलो, ओखला के साइड में। तो दो जगह, बट हमें पंचकुलिया में क्या कि ऑप्शन बहुत सारे मिल जाएंगे। तो अभी हम जस्ट निकले हैं, हमारे साथ आमिर भाई, विक्की एंड गुंजन। वैसे भी सारा पेंडिंग जो काम था हमारा, वो सारा कंप्लीट करने के लिए हमने आज का टाइम डेडिकेट किया है। सो हमारा एक दो तीन काम तो ऑलरेडी हो चुका है सुबह से लेकर अभी तक, और अभी कुछ काम बाकी हैं। तो अगर टाइम मिला तो वो सारा भी पेंडिंग कंप्लीट कर लेंगे। भैया, कुछ की क्या डेफिनेशन है, कुछ डिफाइन तो करो, कुछ क्या होता है ये? देखो, कुछ बोलने के पीछे रीजन ये है ना कि अगर मैं एकदम से बोलूंगा मेरे को ये चाहिए ना, तो वो सस्पेंस खुल जाएगा। और कुछ में क्या है ना कि सामने वाले को लगता है क्या लेगा बंदा, क्या लेगा। सरूरी जगह पहुंच चुके हैं पंचकुलिया मार्केट, और जस्ट इसके से 100 मीटर की दूरी पे पंचकुलिया मार्केट है। मैं आपको दिखाता हूँ अभी, और ये दिल्ली का ट्रैफिक ना, मतलब समझ नहीं आता कि कहाँ से कब ट्रैफिक आ जाएगा, आपको बिल्कुल पता नहीं लगेगा। मतलब आप बिल्कुल खाली रोड पे चल रहे होगे और ट्रैफिक एक मिनट में कहाँ से आ जाएगा, आपको बिल्कुल उसका अंदाजा नहीं होगा। तो इस चीज़ के लिए बड़ी टेंशन होती है यार यहाँ पे, बट फिर भी कोई नहीं, चलना पड़ेगा यार। सो डूडी से भी हम लोग पंचकुलिया फर्नीचर मार्केट आ चुके हैं, और ना यहाँ अगर गुंजन की ना लार टपक रही है। गुंजन, Yes, मैं सब कुछ ले लूं। Bank balance is gonna be nil today. तो देखते हैं क्या क्या चीज़ पसंद आती है। वैसे मेरे को भी बट एक्चुअली जब मैं आता हूँ ना यार, तो मेरे को ना कुछ अच्छा लग जाता है और मैं कुछ परचेज कर लेता हूँ। वैसे मेरे को दो तीन चीज़ सोच रखा था, बट देखते हैं क्या क्या चीज़ पसंद आती है और क्या क्या चीज़ लेते हैं। तो चलो एक बार एक्सप्लोर करते हैं सारा। यार थोड़ा मेरे को ऐसे हाइट ऊंची लग रही है इसकी, मतलब वो वाली था ना, बिल्कुल ऐसे बैठे बिल्कुल फिट हो गए थे। हाँ। ये थोड़ा सा हल्का सा हाइट ऊंचा लग रहा है इसका। अगर ऐसे बैठो तो पैर नीचे करके, तो फिर ये बैक सपोर्ट आ रहा है। नहीं देखो, अगर पैर नीचे किया तो फिर ये साइड में गैप आ रहा, और अगर मैं पीछे बिल्कुल ऐसे करूँगा ना तो थोड़ा सा। भैया इसका आप हैं यहाँ पे, इसका प्राइस कितना होगा? इतना बड़ा ये विंड चेन है, बहुत बड़ा है, बहुत ज़्यादा बड़ा है ये। इसको बजाने के लिए मेरे को लगता है दो तीन लोग चाहिए होंगे ना ऐसे आकर के। इसको जब भी बजाना होगा दो तीन बंदों को आकर के ऐसे ऐसे करना पड़ेगा। ये भी काफ़ी बड़ा है। एप्पल वालों ने ना ये भी निकाला मिरर, तो एप्पल का ही मिरर है। कहाँ गया ये हाँ ये लोग है यहाँ पे, तो ये बंद एप्पल वालों ने करा है। हाँ, इसको लॉन्च, अच्छा इसमें लाइट चेंज भी होगा, वाओ। Ooh, plan अब थोड़ा चेंज हो रहा है यहाँ है मार्केट में ऑप्शन तो बहुत सारे थे, लेकिन रेट ना हमारे वाले रेट से मैच नहीं कर पाया, क्योंकि चीजें जो पसंद आ रही थी उसका रेट बहुत ज्यादा हाई था, और जो चीजें रेट कम थी वो पसंद नहीं आया। तो अब एक दूसरी मार्केट है, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि दो मार्केट मेरे को अच्छी लगती है। अब दूसरी वाली मार्केट जा रहे हैं, जो है ओखला में, शाहीन बाग, अबुल फजल, कालिंदी गुंज, कुछ भी बोल सकते हो उधर है। तो अभी जा रहे हैं, अभी टाइम हो रहा है हमारा 6:52, और अभी मेगा से हम लोग को यहाँ से जाने में लगेगा 25 मिनट। भाई हाँ, मिराज भाई आपको ना थोड़ा ऐसे बैठना पड़ रहा है इसमें, लेकिन मैं बता रहा हूँ तुम्हें भी ऐसे ही बैठना पड़ रहा है क्या? है ना, कंफर्टेबल है ना? बैठा लड़का भी ऐसे भी हमारा, वो कोई भी बैठेगा इस पे ऐसे ही बैठना पड़ेगा। सो गाइस देखो, मिराज भाई कह रहे हैं कि ये कंफर्टेबल नहीं है, और विक्रम कह रहा है कि कंफर्टेबल है। ये कंप्लेंट का ही मसला है।
और कुछ नहीं है, मैं बता रहा हूँ। और ये हम तीन इधर के किधर, दूसरी बात अगर आपको फिर भी अगर दिक्कत है, ये कुर्सी आप एक्स्ट्रा कह कर दो, ये मिला दे, मिला दे। मैं कह रहा हूं 100% सॉल्व करती दादा, आप दुनिया खत्म से आगे। तुम ऐसे करते हैं, हम कहीं और नहीं आते, 28 करो, डन कर दो, डन कर दो दादा, कहीं नहीं जाएंगे, सारा पैक कर दो, पैक कर दो, नहीं हो पाएगा, लगाएंगे हम ऐसा करते। सुनो अभी एक दो ऑप्शंस और देख लेते हैं, ठीक है, क्योंकि अपना तो चलो ये तो ठीक है, डन है। अगर सपोज अगर कहीं कुछ नहीं होता अभी अपने, कब तक शॉप खुली आपकी? एक घंटा तो हाँ, तो ठीक है, आधा घंटा थोड़ा और देख लेते हैं। मैं तो पंचकुलिया में कुछ मिला नहीं, हमने सोचा कि एक बार ये वाला मार्केट भी एक्सप्लोर करते हैं, तो अभी देखते हैं। एक दो दुकान पे गए, एक चीज़ थोड़ी समझ आई है मेरे को, बट मैं सोच रहा हूँ कि एक दो दुकान और देख लूँ, अच्छा डील मिलेगा तो ठीक है, वरना फिर जो हमने देखा था फर्स्ट फाइनल किया था आमिर भाई, फिर नहीं होगा तो वही देखेंगे फिर। नहीं ये ना दब जाएगा, ये अभी बैठने में यहाँ पे दब रहा है बहुत, नहीं कम्फर्ट नहीं। हाँ सुनो, सोफा हमें वही वाला पसंद आया है, हाँ। लेकिन अगर तुमने बढ़िया रेट दिला दिया 28,000 रुपए वाला, जो कि हमारे पास पैसे नहीं है, तो मेरी तरफ से एक कोल्ड ड्रिंक फ्री गाइस मिराज को। अब इसकी सेलिंग स्किल्स हम जाके देखेंगे कि क्या वो सोफा हम ले पाते हैं अपने बजट में या नहीं। डूडी मैं बताता हूँ, देखो होता ना वो एक कहावत है कि लौट के बुद्धू घर को आए, तो वही चीज होने वाला है। हमने एक देख लिया था, बट हमें लगा कि मार्केट में थोड़ा 2-4-5 और देखते हैं, और जो हमें गोली भी देना है कि अगर ये नहीं देंगे तो पंचकुला मार्केट तो मिल ही जाएगा, बहन तो छोड़ो। सोफा है क्या इनका? आज देख लेता हूँ। ये शॉप एक ही आपकी अलग है? एक ही है ना, यहाँ पे भेजा सोफा आपकी बस दादा। देखो हमने बोला था ना कि हम अभी देख करके आएंगे, हाँ तो हमने देख लिया और हम वापस आ गए। आप देख लो भाई, घर आए हुए को ना वापस भेजते नहीं है दोबारा ऐसे खाली हाथ। तो डूडीज अब हमने ज़्यादा दिमाग नहीं लगाया, हमने शमशाद भाई को बोला जो यहाँ पे ओनर हैं, तो उन्होंने वैसे रेट तो बताया था कि भाई 38,000 का, बट फाइनली डिस्कस करने के बाद से डिस्काउंट उन्होंने दे दिया, तो 35,000 में हमने डील डन कर ली है। सो अच्छी डील मिल गई काफ़ी, क्योंकि मैंने और भी बहुत सारे शॉप्स में पे विजिट किया था, बट मेरे को कुछ ढंग का लगा नहीं, रेट्स बहुत हाई थे और जो मटेरियल था वो भी मेरे को ढंग का नहीं लगा। और ये एक्चुअली जो सोफ़ा है ना यार, इस पे ना इतना अच्छा कंफर्ट आ रहा है बैठने पे, मतलब बैठोगे लगेगा कि तुमने कहाँ पे, मतलब तुम किसी मलाई के अंदर बैठ गए हो, एकदम मलाई के अंदर बैठ गए बिल्कुल ऐसा लगेगा। ठीक है ठीक है, सो अभी हम लोग जब सेटअप वेटअप कर लेंगे घर पर, सारा सेटअप दिखाएंगे, और शमशाद भाई को बहुत बहुत शुक्रिया कहेंगे। शमशाद भाई आप कुछ बोलना चाहेंगे व्यूअर्स को? ठीक है, तो आप लोग को अगर आप लोग जसोला या फिर सहित विहार नियर बाई आसपास हो साउथ दिल्ली से, तो आप यहाँ पे आकर विजिट कर सकते हो, बहुत ज़्यादा वैरायटी इनके पास अवेलेबल है और बहुत अच्छे रेट पे, बहुत वाजिब रेट पे आपको चीज़ें मिल जाएंगी। सो डूडीज हमने फाइनली ना ये वाला सोफ़ा हमने किया है फाइनल, ये सोफ़ा ये एल शेप में है, बहुत ही प्यारा लग रहा है और इतना बैठने में ना इतना कंफर्ट आ रहा है इसमें, मैं क्या बताऊँ आपको। सो इसमें ये बेसिकली 1, 2, 3, 4, 5, 6 जने बैठ जाएंगे इस पर, और ये हमें सेंटर टेबल मिल गया साथ में, तो साथ में दो पफी है एक सेंटर टेबल है। सो डूडीज हमारी शॉपिंग तो होगी कंप्लीट यार, और इतनी ज़्यादा भूख लग रही थी मुझे, तो हमने सोचा कि चलो बाहर कर लेते हैं पार्टी वार्टी, और क्योंकि पार्टी के तो यार बहुत टाइम से पेंडिंग थी, भाई ने जो गाड़ी ली है तो गाड़ी की खुशी में पार्टी हो रही थी हमारी। और अभी हम फटाफट डिनर करते हैं, हमने चिकन काली मिर्च मंगाया, चिकन लपादार मंगाया, और हमने मंगाया है मटन बर्रा जो कि मेरा बहुत फेवरेट है। तो चलो फटाफट हम डिनर करते हैं कंप्लीट, और इस ब्लॉग को मैं यहीं पे एंड करता हूँ। आई होप आपको आज का ब्लॉग अच्छा लगा, ब्लॉग अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पकड़ने हो तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आपसे किसी नए ब्लॉग वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।